सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपनी कथित गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। ऋतिक और सबा विदेश से छुट्टियां मनाकर लौटे थे। ऋतिक और सबा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एयरपोर्ट पर देखे गए। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ऋतिक और सबा के इश्क के खूब चर्चे हो रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। फिल्म ने दो दिनों में आंकड़ों के अनुसार करीब 20 करोड़ का कारोबार किया है, जो कमजोर है। इसी बीच विकी कौशल से फिल्म देखने के बाद जब पेपरोजी ने फिल्म का रिव्यू मांगा तो विकी ने थम्स अप का साइन दिखाया और हाथों के रिएक्शन से ही इसे बेहतरीन बताया है। करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण में साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु को इस वक्त एक्ट्रेस की सबसे बड़ी स्टार कहा। इस पर सामंथा ने कहा कि उन्होंने नयनतारा के साथ एक फिल्म की है जो साउथ की सबसे बड़ी स्टार है। इस पर करण ने कहा, मगर मेरी लिस्ट में नहीं है। करण के इस कमेंट से नयनतारा के फैंस गुस्सा हो गए हैं और करण के सोशल मीडिया पर बहुत भड़के हुए हैं। फिल्म एक विलन रिटर्न्स का प्रचार जोरों से चल रहा है। इस वीकेंड यानी सैटरडे और संडे फिल्म की पूरी टीम प्रचार के मैदान में रही। कभी एक्शन ट्रेलर रिलीज किया तो कभी गाना, कभी रोड शो करते तो कभी अपने हीरोइन के साथ डिनर डेट पर। फिल्म 27 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीवी के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 14 जल्द ही आने को तैयार है। बिग बी का ये शो इस बार भी ज्ञान देने वाला होगा, जिसे इसके प्रोमो में देखा जा सकता है। प्रोमो देखने के बाद कौन बनेगा करोड़पति 14 के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो खबरों के मुताबिक 7 अगस्त से शुरू होगा। फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इंदिरा गांधी का साल 1984 का एक इंटरव्यू शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, इस पर विश्वास करें या नहीं, इंदिरा गांधी कंगना रनौत की तरह एक्टिंग कर रही हैं। कंगना रनौत ने राम गोपाल वर्मा का ट्वीट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिपोस्ट कर हंसते हुए लिखा, थैंक यू सर, ये आश्वस्त करने वाला है कि मैंने खुद को इस रोल में कास्ट किया है। खबर है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान मेहमान भूमिका निभा रहे हैं। इस खबर के बाद से फैंस का उत्साह बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि शाहरुख का रोल छोटा है मगर दमदार है। आमिर का कोई भी सीन साथ में नहीं है। भले ही अभिनेत्री दिशा पटानी के लाखों हो फैंस जिन्हें दिशा को पर्दे पर देखकर अच्छा लगता हो, मगर दिशा को खुद अपने आप को स्क्रीन पर देखना पसंद नहीं है। एक विलेन रिटर्न्स के प्रचार के दौरान दिशा ने ये कहा कि मैं खुद को स्क्रीन पर नहीं देखना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हॉलीवुड की हिट मशीन रूसो ब्रदर्स इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द ग्रे मैन का भारत में प्रमोशन कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए साउथ के सुपरस्टार धनुष भी हॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। द ग्रे मैन के प्रचार के दौरान रूसो ब्रदर्स के ने साउथ के बड़े डायरेक्टर एसएस राजामौली के साथ काम करने की इच्छा जताई है। अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म शहजादा की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म के एक गाने की शूटिंग के लिए कार्तिक हरियाणा गए थे। हरियाणा में शूटिंग के दौरान जैसे ही लोगों को पता चला कि वो हरियाणा आए हैं, बहुत सारी भीड़ उनकर आ गई और वो उनका शानदार स्वागत किया।